आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट ए टाइम 1 सेकंड बिफोर द टाइम रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचने से एक सेकंड पहले उसका जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो 37 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। देन द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी, तो हमें हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये हमारा ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और ये है हमारा एट मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंच रहा है, एच मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे इसके पास केवल वी एक्स होगा, जो वी वाई होगा यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो बोल रहे हैं मान लेते हैं एक सेकंड पहले इसका वेलोसिटी यहाँ पे है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बना रहा है ये दिया है, ठीक है। तो ये हमारा वी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा वी वाई, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर देखें, इधर है हमारा वी एक्स और ये है वी वाई, ठीक है, और ये है हमारा वी, और ये एंगल बनाया है 37 डिग्री, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल से जानते हैं, ये ट्रायंगल ये होता है 3, ये 4 और ये 5, और ये होता है 37 डिग्री। तो यहाँ से अगर tan 37 डिग्री लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। तो 3/4 इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से वी एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं, वी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 4 VY अपॉन 3, ठीक है। ये वी एक्स हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि इधर इसको एक सेकंड लगा है, तो इधर कितना लगेगा, अगर हम टोटल टाइम मान लेते हैं यहाँ तक जाने के लिए t लगता है टोटल टाइम मैक्सिमम हाइट तक, तो इधर कितना लगेगा, ये लगेगा t-1 सेकंड, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो हम एट मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम निकाल लेते हैं कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ये 2uy अपॉन g होता है, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि जो हाफ टाइम तक जाता है, मतलब टाइम ऑफ पहुंचने में मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लगता है ये होता है उसके आधा, मतलब uy अपॉन g, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा ये मान लेते हैं ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया होगा, ठीक है, ये थीटा, तो ऊपर जो जाएगा हमारा ये uy होगा और इधर जो होगा ux होगा, ठीक है, और नीचे क्या लगेगा, g, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या लिखेंगे, uy क्या होता है, u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो हमें अगर t निकालना होगा कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में t-1 सेकंड लग रहा है, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से टोटल टाइम निकाल दिए कि यहाँ से इसको कितना लग रहा है, uy अपॉन g, मतलब u sin थीटा अपॉन g। तो अगर हमें यहाँ ये निकालना हो कि इसको कितना टाइम लग रहा है, तो t-1, तो इसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू ये टाइम जो हाइट मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा, -1 लगेगा। तो यहाँ से टी इक्वल टू लिख सकते हैं यू साइन थीटा बट्टे जी -1, ये आ गया हमारा टाइम उस वेलोसिटी तक पहुँचने में जब इसका वेलोसिटी 37 डिग्री बना रहा होगा, उस कहाँ से 37 डिग्री बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अब हमें वी वाई अपॉन वी एक्स पता है, क्या पता है, वी वाई अपॉन वी एक्स हमें यहाँ से पता है, ये दिया है 3/4, ठीक है, 3/4। अब हम वी वाई इक्वल टू लिख सकते हैं यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी, हम माइनस यहाँ यूज कर लिए हैं क्योंकि जी का डायरेक्शन नेगेटिव है। तो वी वाई इक्वल टू यहाँ पे दिया है 3 VX अपॉन 4 इक्वल टू यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा माइनस ए वाई क्या होता है, जी इंटू टी, टी हमें निकालना है, टी हमें दिया है, हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, यू साइन थीटा बटे जी माइनस वन, यू साइन थीटा बटे जी, तो यू साइन थीटा बटे जी माइनस वन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यू साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ प्लस जी है, तो यहाँ से वी एक्स
इक्वल्स टू आ जाएगा 4g/3, ठीक है, 4g/3 आ गया। तो यहाँ से हम vx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 4 × g का वैल्यू 10 है by 3, मतलब 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अब ये हम वेलोसिटी तब निकाले हैं जब ये हमारा एट 37 डिग्री पे आए, बट ये एक कंसेप्ट है, कहीं भी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो अगर किसी टाइम टी पे ले लेते हैं तो वी एक्स इक्व टू क्या लिख सकते हैं, वी एक्स इक्व टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो हमारा जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, जीरो, मतलब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन पे नहीं है। तो यहाँ से वी एक्स जो होगा, वी एक्स हमेशा यू एक्स के बराबर होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है हमेशा कॉन्स्टेंट। तो जो ये वी एक्स है वो भी एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी होगा वो वी एक्स के बराबर ही होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 40/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।